हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्रिएटर। आज हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स होती क्या है, उसके ऊपर मैंने पहले ही एक एग्जांपल ले लिया है। इसी के ऊपर हम इसमें कैसे यूज़ करते हैं इस मेथड का, इसके बारे में डिस्कस हो जाएंगे इसी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस मेथड का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को d2y/dx² + y = cosec x, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग रूल है इसी एग्जाम्पल में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वैसे सिमिलरली हम इसको हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म होता है सिम्बोलिकल फॉर्म में उसमें राइट करेंगे। ठीक है, गिवन, तो सिम्बोलिकल फॉर्म कैसे होता है इसका, इसकी पावर में 2 है तो हम किसे लिख सकते हैं इसको, d² ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे कितना है 1 ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, y है ना। ठीक है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, y क्या आ गया हमारा कॉमन आ जाता है। ठीक है, इजिकल टू इधर क्या आ गया फिर cosec x। ठीक है, हमारा क्या हो गया सिम्बोलिकल फॉर्म। ठीक है, वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अभी इसके बाद हम दैट इज़ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, f(dy) = क्या लिख लेंगे x। ठीक है, हमारे f(d) a हो गया। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, इसके इक्वल में क्या ले लेते हैं 0, और जहाँ पे d वहाँ पे क्या ले लेते हैं m, तो क्या हो जाएगा m² + 1 = क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अभी हमें इसके फैक्टर्स पता है, हमें इसके फैक्टर्स पता है m² + 1 = 0, मतलब ये क्या होता है हमारा m+i और दूसरा क्या होता है m-i = 0। ठीक है, m² + 1 = 0, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता था, हमारे पास फार्मूला है, तुमको बताया था मैंने क्या फार्मूला था, a² + b² हमेशा क्या होता है a+i/b और दूसरा क्या होता है a-i/b। ठीक है, ये हमारा फार्मूला ही होता है। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या आ गया है, 1 आ गया है, तो इसलिए m+i/i के पास क्या है 1, m-i/i के पास क्या है 1। ठीक है, ऐसा तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस का आयोटा उधर जाके क्या क्या होगा माइनस का, और ये माइनस का आयोटा उधर जाके क्या क्या होगा प्लस का, तो m = माइनस का आयोटा, और दूसरा ये दूसरा क्या मिलेगा m = प्लस का आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास 2 रूट आ गए, तो 2 रूट हमारे पास कैसे आए, प्लस आयोटा और एक बार कौन सा माइनस आयोटा, तो m = क्या मिला हमें प्लस और माइनस आयोटा, 2 रूट मिले। तो इसको लिखने का तरीका मैं, कॉम्प्लेक्स रूट है हमारे, ये कौन से रूट है कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो इसको लिखने का तरीका मैं कैसे बना सकता हूँ, 0 + or - i। ठीक है, इसको पूरा फॉर्म में मैंने किस फॉर्म में बनाया, कॉम्प्लेक्स रूट में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसको कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर होता है, α + or - i β के साथ। ठीक है, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे रूट्स निकल गए। ठीक है, अभी इसके बाद क्या निकालते हैं हम, CF, क्या निकालते हैं CF, CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वैसे कि वैसा हमारा CF का फॉर्मूला बताया हमें, CF = क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे कौन से रूट है कॉम्प्लेक्स रूट्स, कौन से रूट है हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स, लिख लेता हूँ मैं, कौन से रूट है कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, हमारे कौन से रूट है कॉम्प्लेक्स रूट, तो CF कैसे निकलता है स्टूडेंट्स हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम इसका रूट्स, e^(c^(αx)(cos βx) + cos βx c1, ठीक है, +c2 sin βx, हमारे क्या होते हैं CF होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स का CF हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं तुमको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे
ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में इसके बारे में पता करना होगा तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आई टैब में मैं इस वीडियो लिंक की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। देन सी एफ इज इक्वल टू ई रेस टू, अभी अल्फा की वैल्यू कंपेयर करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जीरो, तो क्या होगा, जीरो एक्स, ठीक है, सी वन कॉस कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयोटा का सफिक्स में क्या है, वन है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, वन, तो क्या होगा, वन इंटू एक्स, क्या होगा, एक्स ही लिख सकते हैं, प्लस सी टू साइन, बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वन अगेन, तो कितना होगा एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ई रेस टू जीरो मीन्स क्या होगा, वन ही होगा, तो इसको लिखने के तरीका कैसा बनाएंगे हम, सी वन सी एफ इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ये वन होगा, तो सिर्फ आएगा हमारा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, टोटल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट केस अभी यहाँ पे जो पीआई फाइंड करेंगे हम, जो पीआई रहेगा हमारा, नाउ टू फाइंड पीआई, क्या फाइंड करेंगे हम, पीआई, ठीक है, तो हाउ टू फाइंड पीआई, पीआई को कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इस केस में जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमारी जो इस केस में जो पीआई फाइंड करते हैं उसके लिए हमें अलग फार्मूला लगता है, जो फार्मूला मैं अभी तुमको लिख के देने वाला हूँ, ठीक है, तो उस फार्मूले के हिसाब से हम इसको फाइंड करेंगे पीआई को। इससे पहले जो पीआई फाइंड करते थे हम, हमारे अलग अलग केसेस रहती थी, ठीक है, तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू फाइंड पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, हाउ टू फाइंड पीआई, तो मैं तुमको अभी एक फार्मूला लिख के देता हूँ, उसकी हेल्प से हम पीआई फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो फार्मूला है पीआई फाइंड करने का, यहाँ पे फार्मूला यूजिंग फार्मूला, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला, पीआई कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पीआई इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे माइनस का वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू अपॉन डब्लू, ये डब्लू क्या है, वाई वन क्या है और वाई टू क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, वाई टू अपॉन डब्लू इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो एक्स जो है स्टूडेंट्स, एक्स पता है ना हमें, एक्स क्या रहता है हमारा, राइट साइड ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, हमें पता है जो हमारा जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो राइट साइड होता है हमारा क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, तो वाला एक्स है वो, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स, डब्लू क्या होता है बताऊंगा मैं, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का वाई वन है ना, तो यहाँ पे क्या ले लो, प्लस का, ठीक है, अभी यहाँ पे वाई वन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या लो स्टूडेंट्स, तुम क्या लोगे, वाई टू, ठीक है, ये फार्मूला बनाने की टेक्निक, इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पे वाई टू है, तो यहाँ पे क्या लोगे स्टूडेंट्स, तुम वाई वन अपॉन वापस डब्लू और इंटू एक्स, और इधर क्या रहेगा, डी, इधर क्या रहेगा, डी एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं तुमको बता देता हूँ, जो हमारा वाई वन और वाई टू ए क्या है, ठीक है, जो वाई वन और वाई टू जो होता है ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ना, जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, कॉन्स्टेंट का जो कोएफिशिएंट होता है वो वाई वन और वाई टू होता है, ध्यान में रखने का। यहाँ पे सी वन का कोएफिशिएंट क्या है, कॉस एक्स, तो ये हमारा क्या हुआ, वाई वन हुआ, क्या हुआ, वाई वन। अभी वाई टू, वाई टू मतलब सी टू का कोएफिशिएंट कितना है, ए वाला वाई टू, तो वाई वन कितना हुआ, कॉस एक्स, और वाई टू कितना हुआ, साइन एक्स, ठीक है। अभी रही बात हमारी डब्लू की, एक्स के बारे में तो तुमको बता दिया, एक्स हमारा राइट साइड होता है ए वाला, ठीक है, ये हमारा एक्स होता है। अभी रही बात डब्लू, डब्लू मीन्स होता है हमारा रॉन्सकियन, क्या होता है हमारा रॉन्सकियन, तो रॉन्सकियन क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ मैं, डब्लू मीन्स क्या होता है हमारा रॉन्सकियन, ठीक है, तो रॉन्सकियन क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, डब्लू जो होता है हमारा, डब्लू होता है रॉन्सकियन, रॉन्सकियन, रॉन्सकियन डिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो रॉन्सकियन डिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रॉन्सकियन डिटरमिनेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डब्लू, ठीक है, डब्लू से डिनोट करते हैं उसको, कैसे, रॉन्सकियन डिटरमिनेंट डब्लू, ठीक है, जो डब्लू होता है कैसे निकालते हैं उसको स्टूडेंट्स, डब्लू इज इक्वल टू इनडिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ क्या करने का, वाई वन वाई टू, ठीक है, वाई वन और वाई टू
वाई वन और वाई टू हमें पता चल गया है कॉस एक्स और साइन एक्स से, और नीचे क्या करने का वाई वन का डैश और वाई टू का डैश, मतलब वाई वन और वाई टू का नीचे डेरिवेटिव, ये हमारा होता है डब्लू, ये हमारा क्या होता है डब्लू, ठीक है, ये हमारा डब्लू होता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है डब्लू, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमें डब्लू निकालना है, हमें पता चल गया है कि वाई वन और वाई टू कॉस एक्स और साइन एक्स है, ठीक है, तो डब्लू निकालेंगे हम अभी। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सो देयर फोर डब्लू इज इक्वल टू, डब्लू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स तुमको पता है वाई वन कितना था हमारा, वाई वन कितना था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, ठीक है, वाई टू कितना था हमारा साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, वाई वन का डैश है, वाई वन का डैश मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद वाई टू डैश मतलब वाई टू का डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, कितना होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखो कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, अभी इस कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है स्टूडेंट्स कॉस इंटू कॉस कितना होगा कॉस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, माइनस लिखते फिर क्या लिखते हैं माइनस, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वेयर एक्स, अभी क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर हमारी क्या होती है फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी हमेशा वन होती है, ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स, सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा ये डब्लू निकल गया, ठीक है। तो एक एक करके हमने सभी वैल्यू निकाल ली और इस फॉर्मूले में हम उसको पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, ठीक है। नाउ हम किसको बुलाएंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो बाय दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो देखो ध्यान से इस फार्मूला का कैसे यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है फार्मूला। सो देयर फोर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस वाई वन, वाई वन कितना था स्टूडेंट्स हमें पता है वाई वन कितना था हमारा कॉस एक्स, कितना था कॉस एक्स, तो देखो इससे हमने कंपेयर किया था कॉस एक्स, ठीक है, तो हमारा वाई वन कितना है कॉस एक्स, ठीक है, माइनस वाई वन कितना है कॉस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ y2 कितना था स्टूडेंट्स हमारा साइन एक्स, कितना था साइन एक्स हमें पता है, अपॉन w कितना है स्टूडेंट्स अभी निकाला हमने, w कितना निकाला 1, वो तो उसको लिखने की जरूरत है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई भी संख्या के नीचे डिवाइड में 1 रहता ही, इंटू एक्स, एक्स तो तुमको बताया था स्टूडेंट्स मैंने, एक्स हमारा क्या था ए वाली साइड कॉस एक एक्स, ठीक है, तो हमारा क्या होता है एक्स होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है एक्स होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक्स को लिखेंगे हम, एक्स क्या है कॉस एक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आधा कंप्लीट हो गया, प्लस क्या है प्लस, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वाई टू कितना है हमारा साइन एक्स, वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उसको साइन एक्स, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन y1 कितना है स्टूडेंट्स cos x, कितना है cos x, ठीक है, और w तो अभी निकाला हमने, कितना निकाला 1, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख गया मैंने, इंटू x हमें पता है cos x क्या है हमारा cos x, ठीक है, इंटू cos x इंटू dx, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस कर ली है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारा ध्यान से देखो आगे क्या होगा, सो देयर फोर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन वन तो साइन एक्स ही होगा, कोई डाउट नहीं, हमें पता है साइन एक्स ही होगा, और कॉस एक्स को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, वन अपॉन क्या लिख सकते हैं उसको साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस एक्स हमारा क्या होता है वन अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये हमारा अभी यहाँ पे प्लस, ठीक है, अभी ये साइन एक्स,
ये हमारा sin x। इंटीग्रेशन cos x अपॉन वन क्या होता है, cos x ही होता है, और cos x को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, वन अपॉन क्या लिख सकते हैं हम उसको, sin x, ठीक है, वन अपॉन sin x, और ये हमारा dx, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, माइनस cos x, ठीक है, अभी इस sin x से क्या होगा, केट कैंसिल, तो क्या बचेंगे सिर्फ dx प्लस, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, sin x वैसा की वैसा, अभी cos अपॉन sin कितना होता है स्टूडेंट्स, cos अपॉन sin कितना होता है, cos अपॉन sin कितना होता है, कितना होता है cot, क्या होता है cot x इंटू dx, हमें पता है ना cos अपॉन sin कितना होता है हमारा, cos अपॉन sin कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लगे तो cos x अपॉन sin x कितना होता है cot होता है हमारा, क्या होता है cot x, ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, ठीक है, इंटू dx। तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस का cos x वैसा कि वैसा dx का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, x होता है प्लस sin x भी हमारा वैसा कि वैसा, ठीक है। अभी हमें पता है sin x भी वैसा कि वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ sin x, ठीक है, log ऑफ sin x, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या हुआ हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो इस प्रकार प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, हमारी जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की जो प्रोसेस होती है इस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान से देखो, वापस वैसे के वैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वैसे के वैसे निकालते हैं, फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो C1 का कोएफिशिएंट होता है उसको Y1 बोलने का, और C2 का कोएफिशिएंट उसको क्या बोल देगा Y2 बोलने का। नाउ PI, PI के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा जो Y1 और Y2 की वैल्यू मिलती है, और फिर उसके बाद W, W मीन्स Wronskian, क्या निकालने हम Wronskian इस टाइप का, ठीक है, W हमारा क्या होता है Wronskian डिटरमिनेंट, तो W को कैसे निकालते हैं Y1, Y2, Y1 डैश, Y2 डैश, ठीक है, इन दोनों को रख दिया cos x और sin x, y1 की वैल्यू कितनी थी cos x, sin x किसकी थी y2 की, तो इसका डेरिवेटिव नीचे, इसका डेरिवेटिव नीचे, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो w की वैल्यू कितनी आ गई 1, फिर उसके बाद हमने इस फार्मूले में उसको पुट कर दिया जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था, ए फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले में उसको पुट कर दिया, इस प्रकार हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ठीक है। नाउ हम क्या निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, सो देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज, क्या निकालते हैं हम, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा, y इज इक्वल टू सी एफ जो निकाला था हमने, सी एफ क्या निकाला था हमने, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ठीक है, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ठीक है, प्लस पी आई, प्लस पी आई, पी आई में यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने माइनस रख दिया, तो क्या है वो, एक्स को आगे लिख लूँ क्या मैं, ठीक है, एक्स को आगे लिख लेता हूँ, तो एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ फाइनल एंसर, ठीक है, ये हमारा क्या हो फाइनल एंसर, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इस प्रकार हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया, इस मेथड को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने वर्किंग रूल भी बता दिया मैंने तुमको, तो किस प्रकार सॉल्व करते मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स तुमको पता चल गया होगा, ठीक है, आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें हमारी और अच्छी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया उसी में तुम्हारी सबसे अच्छी कंसेप्ट क्लियर होती गई होंगी, ठीक है। तो बने रहो, लगे रहो, आगे और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा मैं, ठीक है, और उन वीडियो लेक्चर्स में और भी हमारे जो भी बचे कुचे जो भी एग्जांपल्स है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, हमारी वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।